नमस्ते फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? आशा करूँगी आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज मेरी मम्मा बना रही हैं स्पेशली मेरे लिए और मेरे पापा जी के पुलाव। तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे बन रहा है पुलाव। तो मैं अब इसको ढक्कन लगा के रखूँगी और मेरी गैस चुका हो जाएगा फिर। हाँ, इसमें हम विसल लगाएंगे और इंतज़ार करेंगे विसल आने तक का। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा आपको क्या अच्छा लगता है, पुलाव या फिर दाल चावल? दाल चावल। तो मैंने इसको ढक्कन लगा चुकी हूँ और अब हम इसका इंतज़ार करेंगे विसल आने तक का। तो फ्रेंड्स, और जब कुकर की विसल आती है तब मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, मैं पीछे हो जाती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सिर्फ पुलाव खाएंगे। आज हमारे पास नो चटनी, नो दाल, बस देसी घी है और पुलाव है। तो हम बस इसी के साथ अपना आज का भोजन करेंगे दिन का। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी लग चुकी है पुलाव की थाली। तो इसमें हम डालेंगे देसी घी, ये पांडे जी का, ये हनी पांडे जी का, और ये है मेरा फ्रेंड्स, जो कि मुझे ना इसी प्लेट में अच्छा लगता है। और मेरे बचपन में एक प्लेट थी, उसमें मैं ही खाना खाती थी बचपन में, उसमें कोई भी नहीं खाता था खाना। अगर जो खा भी ले गलती से तो उसकी बहुत बड़ी सामत आ जाती थी मेरे हाथों से। तो मुझे इसी प्लेट में खाना अच्छा लगता है, सबसे पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे इसी प्लेट में खाना खाना। तो और जो मेरी बचपन वाली प्लेट थी वो ट्रे टाइप की थी, तीन उसमें वो बने हुए थे बाउल टाइप के, तो मैं उसी में खाना खाती थी। उसमें कोई भी खाना नहीं खा सकता था मेरी परमिशन के बिना। तो जो भी खाता था तो नाना जी उसकी हालत ख़राब कर देते थे, मतलब नाना जी बोले तो मेरे पापा जी। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए, दे दीजिए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, पापा जी को दे दीजिए फ्रेंड्स, मैं देसी घी ला रही हूँ, लीजिए फ्रेंड्स। अभी घी डाल के ला रही हूँ, खाइए फ्रेंड्स। देखिए है, मस्त सोयाबीन का जो मजा आ रहा है ना। सुपर सुपर। और फ्रेंड्स, अगर मजा नहीं भी आ रहा है तो जो झूठी तारीफ तो करनी पड़ेगी वाइफ की, क्योंकि खाना तो वाइफ ही देती है ना फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं। तो भाई मस्त, ये सच्चाई वाली तारीफ है कि झूठी वाली? मजा बेस्टी। देखिए फ्रेंड्स, इनकी शकल पे मत जाइए फ्रेंड्स, ये अंदर से कुछ है बाहर से कुछ है फ्रेंड्स, ये झूठी तारीफ कर रहे हैं। ओ भाई, यही मारो, मुझे मारो, ये मजाक हो रहा है, मतलब वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। आइए चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी खाइए, हम लोग भी खाते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं लंच करने के बाद। नमस्ते फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? तो पहले हमारा बर्गर डिसाइड नहीं हो रहा था कि हमको बर्गर के बन लाने हैं या नहीं बनाना हमारे घर में हमको बर्गर, तो इसलिए मेरी मम्मा ले आई और हमको बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ी बिकॉज बर्गर के पीछे, एक बर्गर बन के पैकेट के पीछे, तो काफ़ी ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ी हमको। तो यहाँ पे मैं लाई हूँ किसान का सॉस, छोटू फ्रेश टोमेटो केचप जो कि 15 रुपीज़ का, और मैं लाई हूँ यहाँ पर म्योनीज जो कि है वीवा की एगलेस म्योनीज शेफ स्पेशल। तो इसका मैं रेट बताती हूँ, इसका रेट है 40 रुपीज़, 39 का है। और ये मैं लाई हूँ एक नेस्कैफे ऑल इन वन कॉफ़ी, इसके अंदर सिर्फ आपको हॉट वाटर मिक्स करना होता है इसलिए ऑल इन वन है, इसके अंदर सारी चीज़ें मिक्स होती हैं जो भी आपको चाहिए होती है कॉफ़ी बनाने के लिए। और मेरी मम्मा लाई हैं अपने फेवरेट फ्रूट जो कि है उनका गुआवा, तो मेरी मम्मा का तो फेवरेट है। और मेरी मम्मा लाई हैं चटनी बनाने के लिए धनिया, और क्या है आप पुदीना, तो आप देख सकते हो। और मेरी मम्मा लाई है कर्ड, क्योंकि कर्ड से ही बनेगा वैसे भी हो, तो आप देख सकते हो ये कर्ड। और मैं लाई हूँ यहाँ पे एक चॉकलेट, लिल गुडनेस की है, 20 रुपीज़ की है ये, तो इसको मैं ये रख देती हूँ। और ये मैंने दो तीन बार खाई भी है तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है,
तो गाइज मिलते हैं जब हमारा बर्गर बनेगा तब, तो तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी यहाँ पे बन रही है टिक्की, तो मेरी मम्मा इसको डीप फ्राई करेंगी। यहाँ पे कढ़ाई पे हो गया तेल गरम, तो आप देख लीजिए मम्मा मेरी कैसे बनाती है इसको। और होम मेड टिक्की भी बाहर से खाने ज़्यादा अच्छी बनती है, बस तरीका अच्छा होना चाहिए और मन होना चाहिए बनाने का। हाँ मन तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर मन नहीं है ना फ्रेंड्स तो कुछ भी नहीं बन सकता फ्रेंड्स। मन होना चाहिए, जो कि हमारा मन होता ही है ऑलवेज काम करने का। तो शायद हमारे पापा जी आ चुके हैं, पापा जी आ गए शायद, एक बार आप पकड़ लो। चलो सो गाइस अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, शायद पापा जी हैं हमारे, तो खोल लेते हैं। हेलो, तो पापा जी हमारे हेयर कट करवा के आए हैं अपना, तो ये रहे हमारे पापा जी जिन्हें भी हेयर कट करवाया अपना। और अभी हमने प्रिंस को कपड़े बनाए थे, तो प्रिंस ने तो अपने सारे कपड़े निकाल दिए हैं, अभी शायद मेरी मम्मा ने फ्राई करती है यहाँ पे टिक्की। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, और पांडे जी आ चुके हैं यहाँ पे अपनी कटिंग सेटिंग करा के। ऐसे खा सकते हैं इसको? नहीं ना, नहीं, नो 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 नो। और गाइस आप इसको बना के जरूर देखना एक बार अपने घर में, और मेयोनीज के साथ खाना तो काफी ज्यादा टेस्टी होती है, मतलब ऐसी प्लेन बिल्कुल। और आप इसको चाहे तो तवे पे भी बना सकते हैं कम ऑयल में, लेकिन मुझे यहाँ पे डीप फ्राई करना है, तो देख सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, दो तीन चीजों से ही आप घर में बहुत अच्छी टिक्की बना सकते हैं। देखिए देखिए फ्रेंड्स, मैं निकाल के भी दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए नहीं लग रहा है, पता भी नहीं लग रहा, और कहीं से टूटी भी नहीं है, कहीं से ब्रेक नहीं हो रही बिल्कुल भी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे बर्गर के साथ फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स जैसा कि मैं बता रही थी आपको कि मैं टिक्की बनाऊंगी, तो मैं बना चुकी हूँ टिक्की, तो देख लीजिए आप लोग भी। ये देखिए, और ये लग ही नहीं रहा कि मार्केट की नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही लग रही हैं। और मैं इनकी आवाज़ हानी एक बार इधर आना, सो गाइस मैं भी आ चुकी हूँ। क्या करना है, मैं एक बार को ये कैमरा होल्ड कर। ओके जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मैं देखो इसका साउंड सुनवाती हूँ आपको, कितना क्रिस्पी बनाया ये। जैसा कि बाबा सुन पा रहे हैं इसकी, तो देखिए लगी नहीं, कोई भी उठा के लेंगे आप, सब क्रिस्पी बनी है। तो मेरे कहने पे एक बार फ्रेंड्स जरूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे आप, मार्केट की टिक्की खाना भूल जाएंगे फ्रेंड्स आप। हम लोग बाहर का कुछ भी नहीं खाते हैं, हम सारी चीज़ें मैं घर पे ही बनाती हूँ अपने हनी जी और पांडे जी के लिए। तो फ्रेंड्स आप लोग भी खा लीजिए। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, मेरे बर्गर तैयार हो चुके हैं, बर्गर्स। तो आप फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने बनाया हनी के लिए, देखिए फ्रेंड्स आप लोग भी खा लीजिए। ये देखिए, बाकी तो पांडे जी और हनी पांडे जी बताएंगे कि कैसा बना है। तो और रेसिपी बता दो इसको कैसे बनाना है, सबको आती है, ये तो बहुत इजी होता है, इसको कोई वो नहीं है कि बताना पड़े, ये तो सबको पता है कि कैसे बनती हैं ये चीज़ें। तो फ्रेंड्स चलिए मैं भी खा लेती हूं। और हमारी टिक्की देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है हमसे भी अच्छा कोई बनाता हो। हाँ मैंने डाल दो यहाँ पे, तो गाइस मेरे मेयोनीज के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है बर्गर, बस बहुत ग्रीन चटनी, ग्रीन चटनी थोड़ी देना। ये मैं बना रही हूँ अपने पांडे जी के लिए, मेरा ऑर्डर रेडी हो चुका है। पांडे जी बताइए आप, क्योंकि हम तो भाई ऐसा ही बनाते हैं घर पे होममेड, हम नहीं खाते बाहर की
चीज़ों को अवॉइड करते हैं। हम घर में ही बनाती हूँ मैं तो सारी चीज़ें, तो आप लोग भी ट्राई करिए और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को, अपने तो आप लोग भी बड़ा बर्गर बन गया भैया ये तो, आप लोग भी ट्राई करिएगा। और ये बर्गर जो आप बताइए ना, ये देख लो क्रीम की गार्निश कैसे करी गई है, कर देती हूँ मैं लाइट ऑन। और ये आपको कर लो ना लाइट ऑन कर देती हूँ। भव्या खाने वाली है इसको, वो कहती है आज मैं दो खाऊंगी, मैंने कहा दो नहीं खाएगी तो, एक मैं खाऊंगा एक तू खाएगी, बाकी रोटी खाएंगे हम। लेकिन आज रोटी हमारे यहाँ बिल्कुल बना हो गई है, आज हमने जो पेट भरना है ना वो बर्गर से ही भरना है अपना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो मैं भी गाइस मैं डिनर कर लेती हूँ। हाँ जी अम्मा। तो फ्रेंड्स अभी मैं खाने वाली हूँ बर्गर को, तो एक बाइट ले लेते हैं। भाई ऐसा लग रहा है जैसे बर्गर किंग का बर्गर खा रहे हम तो। गाइस तो बहुत टेस्टी है मम्मा, बहुत टेस्टी है, सुपर से ऊपर भाई, सुपर से ऊपर। आई लव, मैं सोच रहा हूँ एक रेडी लगा लूं पटरी में। अभी ये लगाने वाले हैं रेडी फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए फ्रेंड्स, ये लीजिए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए। तो गाइस आप लोग ये बनाए स्पेशल, आप लोग भी खा लीजिए फ्रेंड्स, टेस्टी। चलिए फ्रेंड्स आप लोग भी बताइएगा आपको क्या अच्छा लगता है, बर्गर, चाउमीन एंड क्या होता है, बहुत कुछ हाँ बहुत कुछ होता है वैसे तो, फास्ट फूड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वैसे तो बहुत कुछ होता है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या अच्छा लगता है, हमें तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन होममेड जो कि मैं बनाती हूँ घर पे ही। तो हम लोग बाहर की चीज़ें, मैं बार बार बता रही हूँ, हम बाहर की चीज़ों को बहुत अवॉइड करते हैं जितना हो सके। हाँ, और हम गोलगप्पे के सबसे बड़े फ़ैन हैं तो हम गोलगप्पे खाते हैं, बाकी हम बाहर की कोई कुछ भी नहीं खाते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं बर्गर खाने के बाद, तब तक ले बाय बाय। रुको जरा, सबर करो। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग, आशा करूंगी आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अगर फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करना। और बहुत सारे लोग मेरी वीडियोज़ को देखते हैं बट इग्नोर करते हैं, कमेंट नहीं करते, ना लाइक करते हैं, ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करें मेरी वीडियोज़ को। तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं और आप मुझे बहुत सारा प्यार दें। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ, आशा करूँगी आप सभी लोग मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अगर फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो मिलूंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।